लैपटॉप मास्टर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त निशांत आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो एक नए लैपटॉप के साथ। आज हम लेके आए हैं एचपी की मोस्ट डिमांडिंग गेमिंग सीरीज है ओमेन, और आज हम उसी ओमेन सीरीज का एक लैपटॉप आता है N0049AX जिसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे और जिसके बारे में हम आपके साथ बैठ के आज डिस्कस करेंगे। तो कहीं मत जाइएगा, आज भी हम उस लैपटॉप को फिजिकली ओपन करके दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे कि गेमिंग लैपटॉप के अंदर डबल फैन लगे हुए होते हैं, क्यों लगे हुए होते हैं, कहां पे रैम लगी हुई है, कहां एसएसडी लगी हुई है, ये सब आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखाने के बाद हम आपको ये सब ओपन करके दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एचपी का गेमिंग लैपटॉप ओमेन N0049AX। दोस्तों लैपटॉप हमने ओपन कर लिया है। लैपटॉप में मोस्टली सब लैपटॉप में चार या पांच कंटेंट्स आपको मिलते हैं। सबसे जो कॉमन है सब में मिलता है पावर कोर्ड एडेप्टर। गेमिंग लैपटॉप है ओमेन सीरीज का, तो मैं आपको बता दूं इसका 65 वॉट का एडेप्टर नहीं मिलेगा, बहुत हैवी एडेप्टर है। आप देखेंगे 200 वॉट का आपको इसमें एडेप्टर मिलता है और राउंड पिन में एक मैनुअल जो हर किसी लैपटॉप के साथ आती है, मोस्टली लोग इसको पढ़ते नहीं है। तो ये देखिए, ये है ओमेन। तो दोस्तों देखते हैं लैपटॉप। सबसे पहले तो मैं बता दूं ये गेमिंग लैपटॉप है, तो आप ये उम्मीद मत करिएगा लैपटॉप लाइट वेट होगा। अप्रोक्सीमेटली 2.35 केजी का इसका वेट है। नॉर्मली जो लैपटॉप के वेट होते हैं वो 1.4-1.6 केजी तक होते हैं। ये गेमिंग लैपटॉप है, आपको देखने से ही लग रहा होगा कि हैवी लैपटॉप है। बात करेंगे इसकी बॉडी की, जो ऊपर का जो इसका बेस वो होता है फ्रंट साइड पे, ये मेटल में होता है। जो बेस है इसका प्लास्टिक में आता है। आप नीचे देखेंगे लैपटॉप के, काफी बड़ा कूलिंग वेंट दे रखा है ओमेन में एचपी ने। साइड में भी आप यहां देखेंगे तो यहां पे भी वेंट दे रखा है कूलिंग के लिए दोनों तरफ। अगर मैं बॉडी की बात करूंगा, बहुत ही हैवी है। देखिए ओमेन लैपटॉप है तो ये सारी जो प्रोडक्ट्स के अंदर स्पेसिफिकेशन है वो होनी बहुत जरूरी होती है, जो एचपी ओमेन के अंदर देता है। दोस्तों बात करते हैं इसके कीबोर्ड की, तो 15.6 इंची का फुल साइज 4 जोन आरजीबी बैकलिट कीबोर्ड आपको इसमें मिलता है। माइका सिल्वर कीबोर्ड आपको इसमें मिल जाता है। बात करेंगे इसके माउस पैड की, एचपी इमेज पैड विद मल्टी टच कैक्चर सपोर्ट के साथ आपको मिलता है। दोस्तों देखते हैं लैपटॉप के राइट साइड में कौन कौन से पोर्ट्स हैं। सबसे पहला हम देखेंगे सुपर स्पीड यूएसबी टाइप ए आपको मिलता है। दूसरा पोर्ट इसके साथ में जो आपको मिलता है वो RJ45 है। देखिए ये आपको नॉर्मली पवेलियन सीरीज जो लाइट वेट आती है उनमें ये पोर्ट नहीं मिलता आजकल, लेकिन ये गेमिंग लैपटॉप है तो कई बार बहुत ज्यादा हैवी गेमिंग जो ऑनलाइन गेमिंग होती है उसके लिए हमें RJ45 कनेक्टर्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। साथ में देखेंगे कूलिंग वेंट दे रखे हैं। उसके बाद है 3.5 mm का हेडफोन या माइक्रोफोन जैक जिससे आप स्पीकर लगा सकते हैं, माइक्रोफोन लगा सकते हैं। फिर एक है मल्टी फॉर्मेट SD मीडिया कार्ड रीडर, यहाँ पे ये आपको पोर्ट दे रखे हैं। अब देखते हैं दूसरी तरफ लैपटॉप के लेफ्ट साइड में, देखते हैं दो सुपर स्पीड USB टाइप ए आपको मिलते हैं। यहाँ पे कोई भी पोर्ट नहीं है और फिर कूलिंग वेंट आपको इसमें दिखाई दे रहा है। देखिए दोस्तों लैपटॉप के बैक साइड में भी एचपी ने पोर्ट दे रखे हैं। सबसे पहले देखेंगे इसमें दो पोर्ट जो दे रखे हैं वो है थंडरबोल्ट टाइप सी, इससे आप लैपटॉप चार्ज भी कर सकते हैं, डाटा ट्रांसफर भी ले सकते हैं। उसके साथ में आपको मिलता है HDMI 2.1 आपके डिस्प्ले के लिए, और साथ में है लैपटॉप को चार्ज करने के लिए चार्जिंग जैक। तो चलिए दोस्तों देखते हैं लैपटॉप की कॉन्फिगरेशन क्या है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसर की, तो इसमें AMD Ryzen 7 6800H आपको प्रोसेसर मिलता है। मैं आपको बता दूं AMD के जितने भी प्रोसेसर आते हैं वो सारे 7 नैनोमीटर्स में होते हैं, जिससे परफॉर्मेंस ग्राफिक्स की और प्रोसेसर की काफी बढ़ जाती है। देखेंगे बेस स्पीड है इसकी 3.2 GHz, टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ये प्रोसेसर आपको मिलता है। बूस्ट अप होके क्लॉक स्पीड इसकी 4.7 GHz तक जाती है। फिजिकल कोर की बात करेंगे 8 कोर का प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है, और लॉजिकल थ्रेड्स की बात करेंगे तो 16। L3 कैश की बात करते हैं तो 16 MB की L3 कैश आपको इसमें मिलती है। देखिए गेमिंग लैपटॉप है
तो नेचुरल है मल्टीटास्किंग इसमें होगी ही, और आपको ऑलरेडी 8 फिजिकल कोर इसमें मिलते हैं, तो आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। बहुत हैवी प्रोसेसर है, 3.2 GHz टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी का, 4.7 GHz, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेमोरी की बात करेंगे, 16 GB की रैम लगी हुई है इसमें, और जो इसकी स्पीड है इसकी 4800 MHz, नॉर्मली लैपटॉप्स के अंदर 3200 MHz की आती है, इसमें 4800 MHz की आपको रैम मिलती है। दो स्लॉट्स हैं, दोनों ही यूज्ड हैं, इसका मतलब 8 GB की दो मेमोरी इसमें लगी हुई है। SSD की बात करेंगे, WD 512 GB की इसमें SSD है, जिसकी कैपेसिटी 477 GB की है। वाईफाई देखते हैं, वाईफाई 6E और ब्लूटूथ 5.2 आपको मिलता है। अगर आपके पास 5G राउटर है आपकी स्पीड बहुत अच्छी रहेगी। ग्राफिक्स देखिए, गेमिंग लैपटॉप का जो मेन पॉइंट होता है वो होता है ग्राफिक्स। इसके अंदर आपको मिलता है NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti लैपटॉप। देखिए ये ग्राफिक्स आपकी सारी जितनी भी मोस्टली गेम्स होती हैं, अगर आप हैवी से हैवी गेम्स भी चलाना चाहेंगे वो सब आप इसमें प्ले कर सकते हैं। देखिए जो इसमें डेडिकेटेड रैम है, डेडिकेटेड ग्राफिक्स मेमोरी, वो है 4 GB, और जो शेयर लेता है वो 7.6 GB है, जो टोटल आपकी हो जाती है 11.6। देखिए मेन हमारा होता है डेडिकेटेड, जो इसमें आपको 4 GB मिलता है NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti। आपने कोई भी काम ग्राफिक्स का करना है या गेम खेलनी है, इस लैपटॉप में बहुत ही आराम से आप इसमें कर सकते हैं, कोई भी गेम आपकी इसमें प्ले हो जाएगी, बशर्ते अगर वो बहुत ही हैवी हुई और वो 3070 या 3080 RTX की डिमांड हुई तो वो नहीं प्ले हो पाएगी, और वो बहुत ही कम गेम्स हैं अभी जो इसकी डिमांड करती हैं, अदरवाइज सारी गेम इसमें चल जाएंगी। बात करते हैं GPU 1 की। देखिए जो Ryzen के जितने भी प्रोसेसर के लैपटॉप आते हैं सब में रेडियन ग्राफिक्स जरूर होता है, तो आपका लैपटॉप मल्टी ग्राफिक्स हो जाता है, जो आपके लैपटॉप की परफॉर्मेंस और एनहेंस कर देता है। दोस्तों बात करते हैं डिस्प्ले की, 16 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले आपको मिलता है, जिसका रिजोल्यूशन 1920x1080 होता है। रिफ्रेश रेट इसका 144Hz है, गेमिंग लैपटॉप है तो 144Hz होना जरूरी होता है। 7ms रिस्पॉन्स टाइम है, IPS डिस्प्ले आपको इस पे मिलता है, माइक्रो एच और एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, और सबसे बड़ी बात जो इस लैपटॉप में HP ने दी है, लो ब्लू लाइट डिस्प्ले आपको मिलता है, जिससे आपकी आंखों को ज्यादा नुकसान नहीं होता है। 300 nits के साथ इसका डिस्प्ले आता है, और 100% RGB रेशो के साथ ये आपको स्क्रीन मिलती है। कैमरे की बात करते हैं, 720p HD कैमरा आता है विद टेंपल नॉइस रिडक्शन और इंटीग्रेटेड डुअल एरे डिजिटल माइक्रोफोन्स के साथ। तो चलिए दोस्तों समय आ गया है लैपटॉप को फिजिकली आपको ओपन करके दिखाते हैं, इसके पार्ट्स कहां कहां पे पार्ट्स लगे हुए हैं, कौन कौन से। देखिए इसके अंदर आपको अलग से दिखाई दे रहे हैं दो फैन, एक फैन है प्रोसेसर के लिए, एक है ग्राफिक्स के लिए। हैवी ग्राफिक्स होते हैं उसके लिए हमेशा एक्स्ट्रा कूलिंग की जरूरत होती है। एक यहाँ पे फैन लगा हुआ है, यहाँ पे आउटसाइड इसका वेंट दे रखा है, एक वेंट यहाँ दो बैक साइड में दे रखे हैं, तो इसमें कूलिंग के लिए विशेष ध्यान रखा गया है इस लैपटॉप के अंदर। प्रोसेसर और ग्राफिक्स की बात हो गई, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है दो रैम लगी हुई हैं, 8-8 GB की इसमें दो रैम लगी हुई है, इसको आप अपग्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे आप 16-16 GB की दो लगा सकते हैं या 32-32 GB की आप दो भी लगा सकते हैं। इस लैपटॉप को आप 64 GB रैम तक आप अपग्रेड कर सकते हैं इजीली। यहां आपका वाईफाई कार्ड है, वाईफाई 6E जो आपको दिखाया था हमने, ये लगी हुई है आपकी SSD। देखिए इसमें एक स्लॉट और दे रखा है आपको, मैं दिखाऊंगा आपको, यहां पे आप एक SSD और लगा सकते हैं। इस लैपटॉप को आप हाइब्रिड कर सकते हैं, दो SSD आप इसमें लगा सकते हैं। अगर आपको SSD अपग्रेड करनी है इसको रिमूव करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे एक एक्स्ट्रा और लगा सकते हैं। ये आपकी दिखाई दे रही है 4 सेल की बैटरी है, 51 वाट आवर्स का, मोस्टली आपको इसका बैकअप मिलता है 8 घंटे के आसपास। वीडियो प्लेबैक में आप जाएंगे तो 12 घंटे तक आपको प्लेबैक इसका बैटरी बैकअप मिल जाएगा। यहाँ आपके बैक साइड के पोर्ट्स दे रखे हैं, ये आपका ये पूरा मदरबोर्ड होता है जिसके ऊपर ये सारे के सारे पार्ट्स इसके लगे हुए होते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो दो स्पीकर्स
बी एंड ओ के इसमें दिए हुए हैं। इसके अंदर हम बात करेंगे ग्राफिक्स की और गेमिंग की। आप जो भी गेम इसमें खेलना चाहें, हैवी से हैवी गेम्स, वो आप इसके अंदर प्ले कर सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग का आपने काम करना हो, 3D एडिटिंग का आपने काम करना हो, 3D मैक्स पे आपने कोई भी काम करना हो, आप वो इस लैपटॉप पे कर सकते हैं। देखिए मेरे पर्सनल व्यू में ये लैपटॉप बेस्ट है। अगर आपका 1 से 1.25 लाख रुपए तक का बजट है तो आप इस लैपटॉप को परचेज करिएगा। रीजन इसमें बहुत है। एक तो ग्राफिक्स आपका RTX 3050 Ti ग्राफिक्स है, RGB कीबोर्ड आपको इसमें मिलता है, इसका स्क्रीन रिफ्रेश रेट 144Hz का है, 7ms रिस्पॉन्स टाइम, मतलब जो भी आपको गेमिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए जो भी आपको रिक्वायरमेंट होती है वो ये लैपटॉप सारी रिक्वायरमेंट आपकी मीट करता है। आपको अपग्रेडेशन की ऑप्शन देता है, आप 64GB तक आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं इसकी रैम, आप SSD इसमें और एड ऑन कर सकते हैं। तो मेरी तरफ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू फॉर मनी देखा जाए तो आपको मार्केट में ये लैपटॉप मिल जाएगा 1 लाख से 1.15 लाख के बीच में। इस बजट के अंदर इतनी सारी स्पेसिफिकेशन के साथ आपको लैपटॉप इजीली नहीं मिलता है। ऊपर से आपको HP का नाम और गेमिंग लैपटॉप में ओमेन। देखिए अगर आप किसी भी ब्रांड से कंपेयर करेंगे तो ओमेन एक बहुत ऊपर आता है। तो आप ये लैपटॉप परचेज कर सकते हैं अगर आपको गेमिंग और डिजाइनिंग करनी है तो। इसमें मैं आपको एक बात और बता दूं कि कभी आपने कोई काम करना हो जिसमें न्यूमेरिक कीपैड की जरूरत हो तो यह आप ध्यान रखिएगा, ये 16 इंची का लैपटॉप जरूर है लेकिन इसमें आपको न्यूमेरिक कीपैड नहीं मिलता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। क्योंकि मोस्टली हमारे माइंड में ये रहता है कि 16 इंची का लैपटॉप है तो फुल साइज कीबोर्ड होगा जिसमें बैकलिट के साथ साथ न्यूमेरिक कीपैड भी होगा। बैकलिट है, RGB कीबोर्ड है लेकिन न्यूमेरिक कीपैड इसमें आपको नहीं मिलता है। हाँ, इसमें आपको विंडो 11 लाइफ टाइम और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 होम एंड स्टूडेंट जरूर मिलता है। दोनों ही सॉफ्टवेयर लाइफ टाइम के लिए आपके पास रहते हैं। प्राइस रेंज की बात करते हैं तो जैसे बताया ये मार्केट में आपको 1 से 1.25 लाख रुपए के बीच में मिल जाएगा, मोस्टली 1 लाख से 1.15 लाख के आपके अप्रॉक्सिमेटली आपको मिल जाता है। HP इसके साथ 1 ईयर ऑन साइट वारंटी देता है, आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं और इसके साथ आप फिजिकल डैमेज की भी वारंटी ले सकते हैं। ये जब आप HP वर्ल्ड पे लैपटॉप लेने जाएंगे तो वहां पे आप सेल्स पर्सन से पूछ लीजिएगा कि इसकी वारंटी ऑफर क्या क्या चल रही है, HP टाइम टू टाइम उसको चेंज करता रहता है। दिल्ली के अंदर कुछ HP वर्ल्ड्स की डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है और अगर आपका कोई भी इस लैपटॉप या किसी और लैपटॉप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके हर आंसर क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, आगे भी हम नए नए लैपटॉप्स की वीडियोस लेके आते रहेंगे और कोशिश करेंगे हर वीडियो को हर लैपटॉप को फिजिकली ओपन करके भी आपको दिखाएं। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नए लैपटॉप के साथ। जय हिंद।